हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ छोटी सी मगर बहुत ही बेहतरीन कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं आज के कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव में जो कि जंगल के किनारे था, वहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली रात के समय डरावनी आवाजें आती थीं और अजीब अजीब प्रेतों के दर्शन होते थे। गांव के बच्चे हमेशा वहां रात के समय जाकर खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ हुआ कि एक रात एक बच्चा गांव की दूसरी ओर कभी वापस नहीं आया। गांव वाले सोचने लगे कि शायद हवेली की वजह से उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। वे माहौल में डर गए और वहां जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वे हवेली की ओर बढ़े और वहां पर वाकई कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। उन्होंने सुनी थी आवाजें, खींचाक और वाकई डरावने प्रेतों के दर्शन होते थे। फिर एक बड़ी हवेली के कमरे में वे बच्चा मिला, पर वह कुछ ऐसा बोल नहीं पाया जो उन्होंने सुना था। उसकी आंखों में डर था और वह थम गया था। जब वे वापस गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि वह बच्चा अब एक अधूरी आवाज में कुछ कह नहीं रहा था। वे समझ गए कि हवेली वाकई डरावनी थी और वहां कुछ अजीब बातें हो रही थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अजीब चीजों से दूर रहना बेहतर हो सकता है और डरावनी हवेलियों में जाने से बेहतर होता है हमें सुरक्षित रहने का विचार करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप रोज ऐसे ही नए नए कहानी सुन सके। आपसे फिर मुलाकात होगा एक नए कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लंबी कहानी सुनना है तो कमेंट जरूर करिए।